स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल फूड ट्रैकर पर। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ना हर बार एक नई डेस्टिनेशन पर लेके जाऊं जहां पर आपको मज़ा भी आए और वो ऐसा ना हो जो रिपीट हो, किसी ने पहले बनाया हो। तो ऐसे ही तलाश करते हुए मुझे एक सब्सक्राइबर है जो हमारे, उन्हीं ने बताया कि उनके इलाके में एक बहुत ही बेहतरीन चाइनीज़ की शॉप है। पर मुझे लगा चाइनीज़ तो आजकल सभी बना रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि उस चाइनीज़ की कुछ बात ही अलग है और वो खास है। उनकी इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं रुका नहीं गया और मैंने वहाँ जाने का फैसला किया और उनको ही मैं बुलाया हुआ है और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है वहाँ पे खास। तो आ जाइए कैमरे के अंदर आप भी। हाय। मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था, देख रहा था, मैंने कहा मेरा नंबर कब आएगा। तो आखिरकार आ ही गया। तो आप बताइए कि जहाँ आप हमको लेके चल रहे हैं तो क्या खासियत है वहाँ की। एक्चुअली मैं उस जगह पर ना पिछले 5-6 सालों से जा रहा हूँ। चाइनीज़ मैंने बहुत जगहों पर खाया है, लेकिन एक बोलते हैं लोगों का टेस्ट एक टाइम पर था एंड वो धीरे धीरे सिर्फ अपने नाम की वजह से चल रहे हैं। वो बंदा अभी वो टेस्ट देता है तो उसकी वो स्पेशलिटी, मतलब उसके आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें खुली, चौमिन दे रहे हैं, मोमोज दे रहे हैं, स्प्रिंग रोल दे रहे हैं, बहुत सारी दुकानें खुली, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। वो बंदा टस का मस खड़ा है। वो जिस प्राइस में जिस जो क्वांटिटी देता है, मेरे ख्याल से शायद कोई और देता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। अब देखते हैं फैक्ट है कितना खरे उतर पाते हैं अपने दाऊ भाई, हमारे भाई जो कि सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सही बोल रहे हैं। आप भी देर ना करें, सीधा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें और चलते हैं देखते हैं क्या है वहाँ खास। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है श्री मनोकामना फास्ट फूड और अब हम जानेंगे प्रिंस जी से कि वो क्या हमको खिलाने वाले हैं क्योंकि वही लेके आए हैं। तो हाँ प्रिंस जी, अब बताइए कि यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या मिलता है, जो आपको बेस्ट लगता है यहाँ पर। बेस्ट है आपका फ्राइड राइस, आपके चाउमिन, मोमोज, ये तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैं किसी को भी प्रेफर कर सकता हूँ, कभी भी यहाँ पर आके खा सकता हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ आके खा रहे हो तो आप यहाँ पे चिली पटेटो ट्राई करो। अगर आप पैक करवा रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि चिली पटेटो पैक करवाने के बाद थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप लाइक मोमोज के शौकीन हो तो इनकी स्टफिंग एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी स्टफिंग, बहुत अच्छी। तो अगर चाउमीन में बोले तो कोई पर्टिकुलर चाउमीन, क्योंकि मेरे को अभी मन कर रहा है कि मैं चाउमीन ट्राई करूँ। मेरे यहाँ पे दोस्त है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, पर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही ट्राई। वेजिटेरियन हूँ लेकिन वो बताते हैं कि कहते हैं कि यहाँ के जैसे चिकन चाउमीन एंड यहाँ के जैसा चिकन राइस कहीं पर नहीं मिलता। और वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर आप सिंगापुरी चाउमीन ट्राई कर सकते हो। एक ये चिली गार्लिक देते हैं जो कि एक बार मैंने शॉप में उठाई थी। अच्छा जी। एंड मैं वैसे स्पाइसी खा लेता हूँ लेकिन उसे खा के मेरे आंसू निकल गए थे। चिली वो भी आंसू नहीं, वो मैं ट्राई नहीं करता, तीखा खाता हूँ लेकिन वो लिटरली उसने आंसू निकाल दिए थे, इतनी स्पाइसी है। तो जैसे कि हमारे प्रिंस जी ने बोला तो हम मंगा रहे हैं अपने लिए एक सिंगापुरी चाउमीन और फिर ट्राई करते हैं और बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा। इसके साथ साथ मोमोज लो और सूखा नीचे लेकर एक कोल्ड ड्रिंक भी लेना जरूर। अच्छा, तो सब ले लेते हैं मेरे भाई। हाँ, तो अब हमारे खाने का सामान पहुंच चुका है हमारे तक। ये देखिए हमारे बहुत ही बेहतरीन मोमोज और जो हमारे सब्सक्राइबर प्रिंस जी ने बोला था वो सब मैंने मंगा लिया है। मोमोज भी आ चुके हैं, चाउमीन भी आ चुकी है और आ चुकी है हमारी थम्स अप। और ये देखिए चाउमीन जिसके अंदर पनीर के तो पनीर ही पनीर छाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। पनीर को देख के कुछ होने लगता है मुझे। और अब ज़्यादा देर ना करते देखते हैं हमारे मोमोज का स्टफिंग। हमने मंगाया है वेज मोमोज और बहुत ही सॉफ्ट है, कैरेट हमको दिख रहा है और गोभी वगैरह पूरा भरा हुआ है और इसके साथ हमको मिला है एक रेड सॉस और मेयोनीज। मैं आपको बताऊँ, ये लोग कहते हैं कि ये म्यूनिस ये लोग खुद बनाते हैं अपने आप, और ये जो चटनी है ये नॉर्मल मोमोज वाली चटनी नहीं है। लाइक नॉर्मली मोमोज की चटनी जो होती है जो बहुत तीखी होती है, लेकिन ये वाली इतनी तीखी नहीं है।
देखने में तो लग रही है, देखने में लग रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही टेस्ट आता है, जिसकी वजह से आप इसे चाउमिन में भी यूज़ कर सकते हो, दूसरी चीज़ों में यूज़ करो, और ये टेस्ट बढ़ा सकते। तभी मैं कहूँ सीक्रेट रेसिपी है, तभी मैं कहूँ कि इन्होंने सिंगापुरी चाउमिन के साथ भी हमको ये रेड चिली सॉस क्यों दिया है, अब समझ में आया। और अब रुका नहीं जा रहा है तो फिर ट्राई कर ही लेते हैं। कोई पुराना टेस्ट, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो सदे हुए हैं, और विनेगर का एक बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और पनीर की मात्रा तो आप देख के हैरान हो जाएंगे भाई, पनीर की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर, पूरा भरा हुआ प्लेट पनीर से, ये लगा लीजिए सिंगापुरी कम और पनीर चाउमीन ज़्यादा लग रही है। बहुत अच्छा, तो थोड़ा रेड सॉस के साथ भी ट्राई करते हैं। गलती कर रहे हो आप, ये रेड सॉस ऐसे नहीं खाई जाती, यहाँ की स्पेशलिटी है ये रेड सॉस ऐसे खाई जाती। मुझे लग रहा है कि मिर्च ज़्यादा ना हो जाए इसमें, पर चलिए हम जब खिलाने वाले बोल रहे हैं कि ऐसे खाना है तो हमको भी ऐसे ही खाना है। अब ये रेड सॉस मिला के देखता हूँ पूरा अच्छी तरह से, कहीं ये ना हो कि बस मेरे आँख और कान और नाक सब में धुआं निकलने लगे, जो कि मेरे को लग रहा है होने वाला है। क्वान्टिटी तो सच ही बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे भी, एक बंदा तो नहीं खा पाएगा इसका, दो तीन बंदे चाहिए भाई इसको निपटाने के लिए। बहुत अच्छा, तो अब सॉस वाला ट्राई कर रहे हैं। इसने तो इसका स्वाद ही बदल दिया भाई, बहुत ही सही लग रहा है, ना ज़्यादा तीखा है और एक अलग सा टेस्ट उसने बनाया है, जैसे आप जैसे टमाटर के साथ जैसे टमाटर की चटनी और वो दो तीन जो चीज़ें होती हैं हमारी, उसकी जो स्पाइसेस होते हैं बिल्कुल सदे हुए हैं। मुझे तो लग रहा था रेड इतना था कि ये स्पाइसी कुछ इतना ज़्यादा स्पाइसी ना हो कि पूरा मुंह जला दे, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सदा हुआ स्पाइस है इसका, और तीखापन भी बहुत सदा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में और मज़ा आ गया सही में, चांद चांद लग गया। थैंक यू प्रिंस जी, बहुत अच्छा। वो तो रहा इनकी चाउमीन की बात, अब थोड़ा मोमोज भी ट्राई कर लें कि कैसा है। ओहो क्या बात है, स्टफिंग देख के तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, अब थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। ये रहा इनका रेड सॉस, जो कि सबसे अलग है, वो सच में ही अलग है। गजब, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। तो सच बोलूँ प्रिंस जी, यहाँ बहुत ही सही जगह लेके आए और खा के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। इनका कॉन्फिडेंस देख के ही मैं पहले समझ गया था कि ये सही जगह ले जाने वाले हैं, बट ये सही निकले, क्योंकि मैं आपको कहीं मिस गाइड नहीं करूँगा। इसका एड्रेस पूरा, इसका पता, लोकेशन मैं नीचे देने वाला हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। इनका नंबर मैं दे दूँगा, अगर आप कॉल करके मंगाना चाहते हैं, नियर बाय आप लक्ष्मी नगर के पास रहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। और अब जो बात, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी आपके आसपास की कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ना हो बट उसका टेस्ट ऐसा हो जो नंबर वन है, तो आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं और उसको मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़रूर जाऊँ और आपको बताऊँ कि उसका रियल में स्वाद क्या है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बाय।